गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यांजलि आईएएस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है पॉलिटिकल साइंस की, जो कि पीजीटी, नेट, जेआरएफ वगैरह सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 26 से। इससे पहले 25 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने इससे पहले के पार्ट्स कवर नहीं किए हैं, वो एक से लेकर के इससे पहले के 25 पार्ट्स कवर कर लें। और एवरी टॉपिक के बेसिस पर जितने भी हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हैं, जितने भी लेक्चर्स, उन सब के बेसिस पर वहाँ पर टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे विद्यांजलि आईएएस के चैनल पे। टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ जाकर के आप अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और वहीं से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 26, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और हाँ, इसका जो टॉपिक आज जो हमारा है, जो हम क्वेश्चन टॉपिक हमने कलेक्ट किए हैं, ओल्ड ईयर क्वेश्चंस हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी से हैं, पॉलिटिकल थ्योरी से हमने क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और उन्हीं के बेसिस पर आज सारा लेक्चर रहेगा। क्वेश्चन नंबर वन है, द जर्मन आइडियोलॉजी वॉज रिटेन बाय, जर्मन आइडियोलॉजी नाम की जो बुक थी वो किसने लिखी थी? तो इसके लेखक थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, इन दोनों ने इसको लिखा था। ठीक है, इसका और नाम भी है अ क्रिटिक ऑफ द जर्मन आइडियोलॉजी, कई बार इसको ऐसे भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। हाँ, इसका अगर आप देखें तो इसको लिखा गया था 1846 में, लेकिन उस समय पर कोई पब्लिशर नहीं मिला था इनको, तो बाद में इसको 1932 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की, पॉजिटिव लिबर्टी इज़ एडवोकेटेड बाय, तो पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट किया है, एडवोकेट किया है टी एच ग्रीन ने, जबकि हन्ना आरेंट हो गए, जे एस मिल हो गए या लॉक वगैरह हो गए, ये नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, अर्थात एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं ये। ठीक है, जबकि टी एच ग्रीन बात करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी की। तो नेगेटिव लिबर्टी में ये तीन लोग हैं, ईसा बर्लिन, थॉमस हॉब्स और जॉन स्टुअर्ट मिल, ये तीनों के तीनों बात करते हैं किसकी? नेगेटिव लिबर्टी की। तो ईसा बर्लिन, थॉमस हॉब्स हो गए और जे एस मिल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ईसा बर्लिन की कॉन्सेप्ट को आप देख लीजिएगा, इनकी बुक है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। ठीक है, इन्होंने इस पर नेगेटिव लिबर्टी की बात की है। इन्होंने ये कहा कि बीइंग फ्री का मतलब है कि नॉट बीइंग इंटरफेयर्ड, फ्री होने का मतलब है कि आपको कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा। मीन्स जितने ज़्यादा एक्सटर्नल बैरियर्स कम होंगे, उतना ही हम आपको अपने आप को क्या मानेंगे? फ्री। थॉमस हॉब्स का ये कहना है, अ फ्री मैन इज ही दैट इज इन दोज थिंग्स विच ही बाय हिज स्ट्रेंथ एंड विट ही इज एबल टू डू इज नॉट हिंडर्ड टू डू वॉट ही हैज अ विल टू, जो वो करना चाहता है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो वो करने की उसको इच्छा है, वो अगर कर सकता है तो इसका मतलब वो फ्री है। अन्यथा अगर उसको रोका जाता है, वो नहीं कर पा रहा जो वो चाहता है, तो इसका मतलब वो फ्री नहीं है। जॉन स्टुअर्ट मिल ये भी नेगेटिव लिबर्टी को ही सपोर्ट करते हैं। तो इन तीनों थिंकर्स को ध्यान रखिएगा, ये तीनों के तीनों नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। जे एस मिल की बुक थी ऑन लिबर्टी, उन्होंने इसमें लिबर्टी पर ही बहुत गहन चर्चा की है। इसमें पॉजिटिव लिबर्टी की अगर हम बात करें, ये यहाँ पर नेगेटिव लिबर्टी गलती से लिख दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी है, पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं जेन जैक्स रूसो, इमैनुअल कांट और थॉमस हिल ग्रीन, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। मैं अब इसमें आपको थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ कि जब नेगेटिव लिबर्टी की बात आती है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। जिस व्यक्ति के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो इसका मतलब फ्री है, इसका मतलब वो है नेगेटिव लिबर्टी। मीन्स जो स्टेट है उसे लोगों के जीवन में कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए। पॉजिटिव लिबर्टी ये कहती है कि व्यक्ति केवल एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ही, ऐसा नहीं है कि वो लिबरल नहीं है या मीन्स उसको फ्रीडम नहीं है, वो और भी उसके कारण हैं। जैसे कि जेन जैक रूसो कहते हैं कि व्यक्ति गुलाम होता है अपनी एपेटाइट का, अपनी इमोशंस का, अपनी इच्छाओं का, एस्पिरेशंस का, अपनी इलॉजिकल डिमांड्स का, उनका भी क्या होता है? वो गुलाम होता है। तो मीन्स चाहे रूसो की बात करें हम, इमैनुअल कांट की बात करें, थॉमस हिल ग्रीन की बात करें, तो ये कहते हैं कि व्यक्ति को बाहर के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उन्हीं से नहीं, उसको अपने अंदर की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनसे भी उसको फ्री होना चाहिए। कि यदि व्यक्ति अपने इमोशंस का गुलाम है, तो वैसे ही मान लीजिए कि किसी और का गुलाम है। ठीक है, ये कहना है किसका?
थॉमस सॉरी उसका जैन जैक रूसो का। अब इनको आप एक एक करके यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो इनके सारे के सारे टॉपिक आपके यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन मार्क्सिस्ट थॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी इज एसोसिएटेड विद। तो देखो मार्क्सिस्ट थ्योरी में हेजेमनी का कॉन्सेप्ट बहुत आता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब, इसका सीधा जो रिलेशन निकाला जाता है वो ग्राम्सी से निकाला जाता है। इन्होंने हेजेमनी के कॉन्सेप्ट पर बहुत डीप काम किया था, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, एंटोनियो ग्राम्सी। ये कहाँ के थे, इटालियन के, इटली के थे, और ये क्या थे, खुद अपने आप में मार्क्सिस्ट थे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज नेगेटिव लिबर्टी। अभी ऊपर ही बताया था कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल हिंड्रेंसेस, बाहर के जो हिंड्रेंसेस होते हैं उनसे एब्सेंस होना, उनका एब्सेंस होना ही क्या है, लिबर्टी है। इसकी डिटेल आप क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वहाँ पर दी है सारी की सारी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु रोट द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, किसने ये बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये लिखी थी जैन जैक रूसो ने। अगर ये भी आपको नहीं पता तो भाई कलंक को फिर आप तो पॉलिटिकल साइंस से बी ए एम ए के नाम पर ये आप देख लीजिएगा, इनकी ये क्या नाम है, ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट वगैरह, ये सब इसके और भी नाम हैं। रूसो की एक बुक और है डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से, फ्रीडम स्ट्रगल से ये क्वेश्चन आया है। रमेश चंद्र दत्त ने इस बुक को लिखा था उस समय की कंडीशंस को देखते हुए, ये भी एक फ्रीडम फाइटर रहे और जो है इंडियन सिविल सर्विसेज में भी ये रहे थे उस समय पे। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ द पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी इज स्टेट। ये किसने कहा कि जब लोग ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एक टेरिटरी के अंदर किसके लिए, लॉ के लिए, तो वही बन जाता है स्टेट, ठीक है, वो क्या है फिर, ये किसने कहा, ये कहा वुडरो विल्सन ने, ठीक है। चलिए वुडरो विल्सन को एक एक सब्जेक्ट का फादर माना जाता है, ज़रा बता दो मुझे फिर कमेंट में, अगर आपको कुछ पता है तो थोड़ा बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, द मार्क्सियन विदरिंग अवे, जो मार्क्सिज्म में एक कॉन्सेप्ट आता है विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, के धीरे ये स्टेट जो है वो समाप्त हो जाएगा, तो इसके बारे में क्या सही है कि स्टेट इज अबोलिश्ड कम्प्लीटली, अबोलिश करने की बजाय वो क्या कहना चाह रहे हैं कि स्टेट डिसअपीयर्स ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से ख़त्म हो जाएगा, नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं कि द स्टेट डिसअपीयर्स स्लोली, धीरे धीरे स्टेट अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब पहली स्टेज आएगी सोशलिज्म की, दूसरी स्टेज आएगी कम्युनिज्म की, और तीसरी स्टेज आएगी स्टेटलेस सोसाइटी की। यह है मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ डिस्क्राइब्ड पॉलिटिक्स एज एक्टिंग इन कंसर्ट। किसी सभा वगैरह में नाटक करने की तरह है क्या पॉलिटिक्स, तो ये कहते हैं भैया कौन, हन्ना आरेंट ने ये कहा है कि एक्टिंग की तरह है क्या पॉलिटिक्स। ये देख लीजिए आप यहाँ पर, इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल में, आपको ये मिल जाएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर MCQ तो प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, बाकी आपको उसकी बेसिक डिटेल्स भी वहीं की वहीं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसीलिए हमारा दावा है कि 60% से 70% क्वेश्चन आपको अभी जो PGT एग्जाम होने वाला है हमारी सीरीज से मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म हिस्टोरिसिज्म वॉज मेड पॉपुलर बाय। तो किसने पॉपुलर किया था हिस्टोरिसिज्म टर्म को, कार्ल पॉपर ने, ठीक है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को दिया किसने था, कार्ल विलहेम फ्रेडरिक शिलेगेल, इसने इसको दिया था, लेकिन इसको पॉपुलर कराया था किसने, कार्ल पॉपर ने, क्या, हिस्टोरिसिज्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, का फादर कहा जाता है एरिस्टोटल को, आप सब जानते होंगे इस बात को, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, प्लेटो के चेला थे, और प्लेटो किसके चेला थे, सोक्रेटिस के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हु कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस एज द मास्टर साइंस, कहा था किसने, एरिस्टोटल ने, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस के फादर भी हैं। ये कहा इन्होंने, क्यों कहा इन्होंने, कि जो स्टेट है, जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल साइंस है, कोई भी व्यक्ति उससे अछूता नहीं रह सकता। मीन्स जीवन का कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है कि जो इन्फ्लुएंस ना होता हो किससे, पॉलिटिक्स से, चाहे वो हमारा कुछ करना हो, कुछ कहना हो, वी कैन लिव, हमें रहना हो, या हमारा जहाँ तक कि कुछ खाना पीना भी हो। क्वेश्चन नंबर 13, किसने लिखी भाई ये बुक द रिपब्लिक, तो ये बुक लिखी थी प्लेटो ने। अब आप प्लेटो को ध्यान होना चाहिए आपको कि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स,
कि पत्नियों का कैसा कॉन्सेप्ट कम्युनिज्म का, कि जो वाइफ है वो किसी की पर्सनल वाइफ नहीं होनी चाहिए पर्सनल वाइफ नहीं होनी चाहिए, अर्थात मतलब कैसी कॉमन वाइफ होनी चाहिए, ठीक है। कि ये मान लीजिए कोई ए नाम की महिला है, ये किसी मीन्स कई सारे आदमियों की पत्नी होनी चाहिए, पर्सनल किसी की नहीं होनी चाहिए, पर्सनल बच्चे भी नहीं होने चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जो फिलोसोफर किंग हैं, जो राजा है, उसको पर्सनल के नाम पर कुछ नहीं मिलना चाहिए, तब वो लोगों के भले में सोचेगा, वरना अपने हित में सोचते हैं लोग। मीन्स यहाँ तक कि बच्चों को भी ये ना पता हो कि ये कौन किसका पापा है, कौन किसकी मम्मी है, ठीक है। तो ये प्लेटो ने ऐसा कम्युनिज्म दिया था। तो ये कहा जाता है कई बार कि सबसे पहला कम्युनिस्ट कौन था भाई इस धरती पर, तो वो था प्लेटो। ज़्यादातर केस में तो हम मार्क्स को और एंजल्स को मानते हैं, लेकिन ये प्लेटो उनसे भी पहले का कम्युनिस्ट निकला भाई। क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी, द मॉडर्न डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं भाई इसको, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि आज के सेंस में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो तो उपलब्ध है नहीं, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या होती है। अब उस पार्लियामेंट में सबको तो नहीं बिठा सकते कि भारत के 150 करोड़ लोगों को बिठा दो वहाँ पर कि भाई आओ अब सब लोग मिलकर डिसीजन लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चलती है इस समय वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 15, हु डिफाइंड डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो ये सबको पता है, अब्राहम लिंकन ने कहा था, इस पर ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे, आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हु कमेंटेड दैट विल नॉट विल ऐसे करके विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट, तो राज्य का जो आधार है, बेसिस है, वो विल है, अर्थात इच्छा, लोगों की इच्छा, ना कि ताकत, बल नहीं है। कि जो किंग है वो किसी को ताकत तलवार के दम पर रूल नहीं कर सकता, लोगों की इच्छा के दम पर ही रूल किया जा सकता है, ये कहा था TH ग्रीन ने, ठीक है, ये कहा था इसने, चलिए। और इसलिए उन्होंने ये भी कहा था कि आप बैनेट्स, मतलब जो एक राइफल होती है, राइफल के ऊपर सामने बैनेट पर जो बैनेट लगा होता है बैरल पर, उसको हम बैनेट बोलते हैं, जो चाकू होता है एक टाइप का, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि चाकू तलवार ताकत के दम पर किसी का राज्य परमानेंट नहीं हो सकता, राज्य चल सकता है लोगों की इच्छा के बेसिस पर ही परमानेंट रह सकता है। पॉलिटिकल थ्योरी का रिलेशन किससे नहीं है, तो देखो कॉन्सेप्चुअल क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियाज़ ये है इसका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थ्योरी का, प्रोवाइडिंग मॉडल्स ऑफ बिहेवियर ये भी इसका सब्जेक्ट है, रैशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ये भी इसका ही क्या है, सब्जेक्ट नहीं है पॉलिटिकल थ्योरी का। ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से रिलेट कोई काम नहीं करती पॉलिटिकल थ्योरी। तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये तो है, ठीक है, लेकिन हमारा ये जो सी है ये नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पर। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ लाइक जस्टिस, पावर, डेमोक्रेसी, ऐसे आइडियाज़ की जो स्टडी है और उससे रिलेटेड जो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज डिस्क्राइब्ड नेचुरल राइट्स एज नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स, ये किसने कहा है कि जो नेचुरल राइट्स हैं वो सब बकवास हैं, नॉनसेंस हैं, तो ये कहा है भैया आपके बेंथम ने, ठीक है, बेंथम ने ये कहा है कि नॉनसेंस है ये सब, क्या नेचुरल राइट्स हैं, क्लियर हो गई बात, ये देख लीजिए आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ अपोजिशन, ये किसने डिफाइन किया है कि फ्रीडम का मतलब है एब्सेंस ऑफ अपोजिशन, कोई अपोजिशन नहीं होना चाहिए, तो ये कहा है थॉमस हॉब्स ने। इनकी एक बुक है लेवियाथन, लेवियाथन में ये पूरी तरह से किंग को सपोर्ट करते हैं, स्टेट को सपोर्ट करते हैं। तो ये कहते हैं कि स्टेट अर्थात राज्य का कोई अपोजिशन में होना ही नहीं चाहिए। हो सकता है आप शायद सोच रहे होंगे कि लोगों की अपोजिशन में कोई नहीं होना चाहिए, नहीं, ये कह रहा है कि स्टेट की अपोजिशन में कोई होना नहीं चाहिए, स्टेट जो चाहे सो करे, कोई उसका विरोध ना करे। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो आज हमने 19 क्वेश्चंस को कर लिया है पॉलिटिकल थ्योरी के टॉपिक से, पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, पहली बात तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। लाइक कर दीजिए यदि आपको पसंद आए तो, पसंद नहीं आता है, कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछिए, हम आपके कमेंट्स में आपको रिप्लाई पक्का करेंगे। और शेयर कर दीजिए साथियों के साथ में, आपका सपोर्ट हमको चाहिए, नया नया हमारा चैनल है, ठीक है। हो सकता है कि आज से कई काफ़ी समय बाद जब कोई इसको सुन रहे होंगे इस लेक्चर को, 2 साल 4 साल बाद, तो फिर तब भी उनको लगेगा कि ये नया है, नहीं भाई, 2000
22 में हमने इसको स्टार्ट किया है। इससे पहले हम केवल ऑफलाइन ही पढ़ाते थे। ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पर आपको PDF मिलेंगी और मॉक टेस्ट जरूर आपको अटेम्प्ट करना है। आप मेथड्स हमारे अपना लीजिए, रिजल्ट आपको आपकी पसंद के मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हम डेली एक बार और मिलते हैं आपसे 8:30 बजे, और उसमें हम करंट अफेयर की क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं। तो 8:30 बजे आप उपलब्ध हो जाया करो, जिसमें हम करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।